किसानों के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है। कल चंडीगढ़ में देर रात खत्म हुई सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक काफ़ी सकारात्मक माहौल में हुई। सरकार की तरफ से किसानों को कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं जिससे में सरकार दालें, मक्का और कपास को MSP पर खरीदने के लिए तैयार हो गई है। 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके NCCF और NAFED गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं MSP पर खरीदेगी, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे, अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। तो चलिए, किसान कह रहे हैं कि कोशिश होगी कि मिल बैठ के हल हो जाए और साथ में पीयूष गोयल कह रहे हैं कि एक गारंटी प्रोग्राम सरकार लेकर आएगी। तो किसानों की और सरकार की क्या बातचीत हुई और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, दोनों तरफ से कुछ बातें हैं, क्या लग रहा है, समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? किसान MSP की गारंटी को लेकर के पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत लगातार जारी है। अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। कल देर शाम को सरकार की किसानों के साथ फिर बैठक हुई। सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा। सरकार ने कहा कि वो दालें, मक्का और कपास को लेकर के MSP लागू करने के लिए तैयार है। सरकार उनको गारंटी देने के लिए तैयार है कि 5 साल से अगर वो क्रॉप का अपने डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, दालें, कपास और मक्का उगाते हैं, तो सरकार उनकी खरीदारी करेगी। NAFED और NCCF मिलकर के ये खरीदारी करेंगे। जो किसान है उन्होंने भी इस मुद्दे के ऊपर थोड़ी बहुत सहमति जताई। किसानों ने कहा कि हम अपने किसान यूनियन के साथ एक बार और जो भी एक्सपर्ट है उनसे इसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद किस सरकार को इस पर ऊपर जवाब देंगे। लिहाजा किसानों ने अपने आंदोलन को 2 दिन के लिए स्थगित कर लिया है। कल शाम तक किसान सरकार को अपने जवाब दे देंगे। दोनों पक्षों के बीच में ऑलरेडी कई दौर की बातचीत हो चुकी है और सहमति बनती हुई नजर भी आ रही है, तो लगता है कि कुछ दिनों में किसान आंदोलन भी खत्म हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए।